जादुई आठ लहंगों वाला पेड़। बहुत समय पहले की बात है, जंगल से सटा एक गांव था जहां रामू नाम का आदमी अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू की पत्नी सुमित्रा बहुत ही समझदार महिला थी। उस गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब थे। वहां कमाई का एकमात्र जरिया खेती ही था, लेकिन रामू के पास जमीन नहीं होने की वजह से वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करता था। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। गांव में किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं होने के बावजूद भी गांव के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक बार गांव में शहर से एक बड़ा सेठ अपनी पत्नी के साथ उस गांव में आता है। देखिए, हम लोग शहर से आप लोगों के लिए ही आए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी हम लोगों की तरह अच्छा खाए, अच्छा पहने और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि बड़े होकर आपके बच्चे भी कुछ बने और आगे बढ़े। लगता है ये हमारे गांव में स्कूल खोलने वाले हैं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपका गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ पर कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ शहर चले, वहाँ आपको रहने और खाने की सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए। अरे, हम भला इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये गांव तो हमारी जन्म भूमि है, इसी मिट्टी में हमने जन्म लिया है और एक दिन इसी गांव की मिट्टी में मिल जाएंगे। हाँ हाँ, हम इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपकी ये शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी, हम ऐसे ही खुश हैं। अरे, आप लोग तो नाराज ही हो गए, हम तो बस आपकी भलाई के लिए ही कह रहे थे। अब आप लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम ही आपके साथ यहाँ कुछ दिन और रुककर गांव का ही मजा ले लेते हैं। इतना बोलकर सेठ और सेठानी कुछ दिनों के लिए उसी गांव में रुक जाते हैं। लगता है ये गांव के लोग ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो कुछ दूसरा उपाय ही करना पड़ेगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, अगर गांव वालों ने ये जमीन खाली नहीं किया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैंने आर आवत से इसके एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे एक महीने का ही मोहलत दिया है इस जमीन को खाली करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ियाँ बहुत ही कीमती हैं और वो यहाँ पर अपने फर्नीचर की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए जी, मैं इस बेवकूफ गांव वालों को ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं। उसके बाद सेठानी देखती है कि गांव के लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे, तो वो उनके बच्चों को इम्प्रेस करने में लग जाती है। अरे राधा बेटी, इधर आओ, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर फ्रॉक कभी नहीं देखी। वाओ, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं तो तुम सबको और भी बहुत कुछ देना चाहती हूँ। सुनो सारे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम सभी को देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सेठानी गांव के सभी बच्चों को सुंदर सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देती है। ये सब पाकर सभी बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, शहर में तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, जैसे खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, खाने के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ और पहनने के लिए खूब सारे रंग बिरंगे कपड़े। लेकिन क्या फायदा, तुम लोगों के मम्मी पापा तो कभी शहर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीजें लाकर देती रहूंगी। राधा भी फ्रॉक और चॉकलेट लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। राधा के हाथ में इतना सुंदर फ्रॉक और चॉकलेट देखकर रामू कहता है, राधा बेटी, ये सब क्या है, कहाँ से लेकर आई हो ये सब? वो शहर वाली सेठानी जी ने दिया है, वो तो बहुत अच्छी है बाबा, वो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है शहर से। बाबा, सेठानी जी बता रही थी
कि शहर बहुत ही सुंदर है, इस गांव में कुछ नहीं रखा। बाबा प्लीज आप उनकी बात मान जाओ ना, ले चलो ना हमें शहर, हमें भी शहर देखना है। हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हमारे बच्चे इसी में खुश हैं तो यही सही। क्या इसका मतलब आप शहर जाने के लिए मान गए? बाबा आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे तो ये सेठ और सेठानी बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं लग रहे हैं जी, आप इन पर भरोसा करने की गलती मत करिएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओहो सुमित्रा, तुम तो हर एक चीज शक की निगाहों से देखती हो, अगर वो इतनी बुरी होती तो हमारे गांव के बच्चों के लिए इतना सब क्यों करती? अब तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। सुमित्रा अपने कामों में लग जाती है। एक बार सुमित्रा खेत से रामू को खाना देकर घर वापस आ रही थी, तभी वह देखती है कि एक पेड़ के पास बैठकर सेठ और सेठानी आपस में बातें कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? ये गांव के लोग इतने सीधे तरीके से नहीं मानने वाले हैं। हमें अब कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। कौन सा तरीका? कल मैं गांव के सभी बच्चों को चॉकलेट में जहरीली दवाई मिलाकर खिला दूंगी, जिसे खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पर ऐसे में तो बच्चों की जान भी जा सकती है। अगर ऐसे में एक आधे बच्चे की जान जाती भी है तो चली जाए मेरी बला से, उसके बाद तो ये गांव वाले बाकी बचे हुए बच्चों के इलाज के लिए तो शहर जाने को तैयार हो ही जाएंगे ना। तब मैं उनसे उनके इलाज के बदले उनकी सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगी। अरे वाह मान गए, क्या दिमाग लगाया है। राधा की माँ सुमित्रा दूर खड़ी ये सब सुन लेती है। खूनी दरिंदे, मैं तुम दोनों को इस मनसूबे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अभी गांव में जाकर तुम्हारे इन घटिया हरकतों के बारे में सबको बताती हूँ। तभी सेठानी सुमित्रा को कसकर पकड़ लेती है। अरे इतनी आसानी से कैसे चली जाओगी तुम? अब तो तुम यहाँ से सीधा स्वर्ग ही जाओगी। उसके बाद दोनों मिलकर उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। इसे यहीं छोड़ दो, बेचारी मरते मरते किसी जानवर के भूख के काम तो आ ही जाएगी। उसके बाद दोनों सेठ सेठानी वहाँ से चले जाते हैं और गांव में आकर अपने प्लान के मुताबिक सभी बच्चों को वो जहरीली चॉकलेट बांटने लगते हैं। इधर गंगा पेड़ से बंधी बेबस होकर रो रही थी। हे भगवान, हमारे गांव के मासूम बच्चों को इन दरिंदों से बचा लो, हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। सुमित्रा रो रही होती है तभी पेड़ बोल पड़ता है। चुप हो जाओ सुमित्रा। कौन है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। पेड़ जी कृपया करके आप मुझे यहाँ से किसी तरह से आजाद कर दीजिए, वरना वे लोग हमारे गांव के मासूम बच्चों को मार डालेंगे। मुझे जाने दीजिए पेड़ जी। सुमित्रा वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर पाओगी। ये लो, ये 8 जादुई लहंगा है, इसका हर एक लहंगा जादुई है और वो तुम्हारे इस नेक काम में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हाँ, ये एक लहंगा तुम्हारी एक बार ही मदद कर पाएगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। सुमित्रा पेड़ का धन्यवाद कर उनसे वो जादुई 8 लहंगा ले लेती है और सबसे पहले लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा मुझे जल्दी से मेरे गांव पहुंचा दो। सुमित्रा के इतना बोलते ही वो गांव में आ जाती है, लेकिन तब तक काफी बच्चों ने उसके दिए हुए चॉकलेट खा चुके होते हैं। मुखिया जी ये लोग बहुत ही लालची और मक्कार लोग हैं, इसने हमारे भोले वाले बच्चों को दवाई खिला दी है। सुमित्रा तुम ये क्या कह रही हो? सुमित्रा के मुंह से ये सुनते ही सेठ और सेठानी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी सुमित्रा अपने दूसरे लहंगे से कहती है, ये जादुई लहंगा इन दोनों दुष्ट को उसके किए की सजा दो। सुमित्रा के इतना कहते ही लहंगे में से एक जादू होता है और उनका कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और उन दोनों सेठ सेठानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुमित्रा देखो ना हमारी राधा को क्या हुआ, वो आंखें नहीं खोल रही है। राधा बेटा इस तरह से जिन जिन लोगों के बच्चों ने चॉकलेट खाया था वे सारे बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे थे। गंगा ये सब देखकर अपने तीसरे लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगा हमारे गांव के सभी बच्चों को ठीक कर दो। सुमित्रा के इतना कहते ही सभी बच्चे पहले की तरह ठीक हो जाते हैं।
फिर मुखिया जी समेत गांव के सभी लोग सुमित्रा का धन्यवाद करते हैं। मुखिया जी, आप लोग मेरा धन्यवाद नहीं बल्कि जादुई पेड़ के जादुई 8 लहंगों का धन्यवाद कीजिए। इन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। सभी लोग उन लहंगों का धन्यवाद करते हैं। अभी भी पेड़ का जादुई 5 लहंगा बचा हुआ था। गंगा उन हरेक लहंगे से अपने गांव के लोगों के लिए जरूरत की सारी चीजें मांगती है। वो चौथे लहंगे से गांव में स्कूल बनवाती है और पांचवे लहंगे से हॉस्पिटल बनवाती है। छठे लहंगे से गांव में सभी के लिए अच्छा अच्छा घर मांगती है और सातवें और आठवें लहंगे से खूब सारे पैसे मांगती है। उसके बाद आठों के आठों लहंगे गायब हो जाते हैं और सभी गांव वाले अब खुशी खुशी अपने ही गांव में रहने लगते हैं। सौतेली माँ और अनोखी जादुई मेहंदी। चंदनपुर गांव में मीरा अपनी सौतेली माँ विनीता और बहन नैना के साथ रहती थी। मीरा के माँ के देहांत के बाद उसके पिता नरेश ने विनीता से दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि वे चाहते थे कि मीरा को कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन विनीता मीरा से हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसने घर में आते ही मीरा के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। विनीता सिर्फ अपनी बेटी नैना से ही प्यार किया करती थी और मीरा के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। उसकी बेटी नैना भी मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन नैना मीरा से कहती है, अरे ओ नौकरानी सुन, आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है, इसलिए तू गांव के बाहर जो नदी है वहाँ से मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ला और फिर उसे अच्छे से बनाकर मेरे कमरे में लेकर आ जाना, समझी? पर नैना, उस नदी में तो बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं और आज तक उस नदी में से कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि उस नदी के पास जो भी जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता है, इसलिए मुझे वहाँ जाने में बहुत डर लग रहा है। और अगर तुम्हारा मछली खाने का इतना ही मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए बाजार से मछलियाँ खरीद कर ला देती हूँ। नहीं, मुझे बाजार की बासी मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसी नदी की ताज़ी मछलियाँ खानी है, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि तू उस नदी से मछलियाँ कैसे पकड़ कर लाएगी, पर मुझे तो आज वही मछलियाँ खानी है, समझी? मीरा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जिस नदी की मछलियाँ नैना खाने को कह रही थी उस नदी में बहुत ही भयानक मगरमच्छ रहते थे। लेकिन बेचारी मीरा क्या ही कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह मछलियाँ पकड़ने नहीं जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ही अत्याचार करेगी। तभी मीरा रोते हुए उस नदी के पास जाती है और उस नदी के पास बैठकर बहुत रोती है। मैं नैना के कहने पर इस नदी के पास तो आ गई, पर मैं इस नदी से मछलियाँ कैसे पकड़ूं? मैं आज पूरी तरह से फंस गई हूँ और अगर मैं मछलियाँ पकड़कर घर नहीं ले जाऊंगी तो मेरी सौतेली माँ और नैना मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आप तो सब देख रही हो ना कि वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं। काश आप मुझे छोड़कर नहीं गई होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा होता। ऐसा कहकर मीरा वहीं पर बैठकर रो रही थी। तभी मीरा को वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है और वह आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उस नदी के पास लगे एक मेहंदी के पेड़ से आ रही होती है। सुनो मीरा, मुझे पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन तुम पर बहुत अत्याचार करती है, लेकिन अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, इसलिए तुम मेरे पेड़ पर से एक मेहंदी ले जा सकती हो और अगर इस मेहंदी को तुम अपने हाथ पर लगाओगी तो तुम जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा और तुम इस जादुई मेहंदी से अपना सारा काम भी कर सकती हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा उस जादुई मेहंदी के पेड़ का धन्यवाद कहती है और उस जादुई मेहंदी की मदद से मीरा उस नदी में से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है।
वहीं दूसरी तरफ विनीता और नैना इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब मीरा की मौत की खबर आएगी। तभी विनीता कहती है, नैना बेटी, तुमने तो आज बहुत ही कमाल का काम किया है, जो उस मनहूस लड़की को उस खतरनाक नदी के पास भेज दिया और अब वह कभी भी वापस नहीं आएगी और अब यह सारी जायदाद हम दोनों के नाम हो जाएगी। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर इस घर पर राज करेंगे, राज। हाँ माँ, और मैंने सुना है कि उस नदी के पास जो भी जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता। तभी मैंने सोच लिया था कि अगर इस मनहूस लड़की से पीछा छुड़वाना है तो उसे उस नदी के पास भेजना ही होगा, और फिर मैंने उस मनहूस को उस नदी के पास जाने के लिए मजबूर कर ही दिया। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी हंस रही होती है। तभी मीरा सही सलामत मछलियाँ पकड़कर घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मीरा किचन में जाकर उन मछलियों को बनाकर नैना को दे देती है। नैना अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक उस नदी से कोई भी मछलियाँ पकड़कर नहीं ला सका है, तो फिर ये मीरा वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ सकती है। कोई बात नहीं बेटी, आज तो ये जिंदा वापस आ गई है, लेकिन इसकी किस्मत रोज ही इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अब देखना मैं इस मनहूस पर कितना अत्याचार करूँगी और इसे खाने के लिए भी नहीं दूंगी, और फिर अगले महीने इसका बाप भी वापस आने वाला है, तो उससे पहले हमें इसका काम तमाम करना ही होगा। इतना कहकर विनीता मीरा को बहुत सारे गंदे कपड़े और गंदे बर्तन धोने के लिए देती है और कहती है, अरे ओ करमजली, ये सारे गंदे कपड़े और सारे गंदे बर्तन एकदम से चमक जाने चाहिए, और उसके बाद तुझे घर की सारी सफाई भी करनी है और फिर हमारे लिए खाना भी बनाना है, इसलिए अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाना, समझी। पर माँ, मैं इतने सारे कपड़े और इतने सारे बर्तन इतनी जल्दी कैसे साफ कर पाऊंगी। मीरा की बात सुनकर विनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह मीरा को थप्पड़ मारकर कहती है, अच्छा अब तुझसे इतना भी काम नहीं होता, और आज के बाद तूने मेरे सामने ऐसी नौटंकी की ना, तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, समझी। अब जल्दी से काम में लग जा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी मीरा चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। तभी मीरा के सामने वह जादुई मेहंदी आ जाती है और वह मेहंदी मीरा से कहती है, अरे मीरा, क्या तुम उस जादुई पेड़ की बात भूल गई? अगर तुम मुझे अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारा सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गई थी कि अब मेरे पास जादुई मेहंदी है। चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों पर लगा लेती हूँ, फिर मेरा काम अपने आप ही हो जाएगा और मुझे माँ के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। इतना बोलकर मीरा वह जादुई मेहंदी अपने हाथों पर लगा लेती है। मीरा जैसे ही उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाती है, तभी उसके सारे कपड़े और सारे गंदे बर्तन अपने आप ही धुल जाते हैं। तभी मीरा खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी नैना उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, अरे ओ महारानी, माने तुझे इतने सारे गंदे कपड़े और इतने सारे गंदे बर्तन साफ करने के लिए दिए थे और तू बिना उन्हें साफ किए यहाँ अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी तू रुक जा, आज माँ तेरी ऐसी हालत करेगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। अरे नहीं नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है। क्या? अरे पर कैसे, ये कैसे हो सकता है? यह सुनकर नैना को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो अपने माँ के पास जाकर कहती है, अरे माँ, आपको पता है उस मनहूस लड़की ने सारे गंदे कपड़े और सारे गंदे बर्तन धो दिए। ऐसा कैसे हो सकता है माँ कि कोई इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? मुझे तो अब दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना सारा काम करना नामुमकिन है। नैना बेटी, तू कह तो बिल्कुल सही रही है, और यह तो उस खतरनाक नदी से भी बचकर जिंदा आ गई थी, और अब इसने आते ही इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दिया है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। तभी दोनों माँ बेटी पता लगाना शुरू कर देती है।
मीरा के पास आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो अपनी सारी मुश्किलों को आसान करी जा रही है। तभी उसी समय मीरा अपने कमरे में उस जादुई मेहंदी से बात कर रही होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई मेहंदी, आज तुम्हारी ही वजह से मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के अत्याचारों से बच पा रही हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरे सारे काम अपने आप हो जा रहे हैं। सच में तुम बहुत ही अच्छी हो जादुई मेहंदी। देखा माँ, इसके पास एक जादुई मेहंदी है जिसकी मदद से इसने ये सारे काम किए हैं। अच्छा, तो ये बात है, फिर तो हम भी इस जादुई मेहंदी को अपने हाथ पर लगाएंगे। उसके बाद यह जादुई मेहंदी हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी और इस मेहंदी को हम अपने हाथ पर लगाकर खूब सारे पैसे भी मांग सकते हैं। उसके बाद हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी मीरा के पास जाती है और उससे वह जादुई मेहंदी छीन लेती है। तभी मीरा कहती है, अरे नहीं नहीं माँ, आप दोनों इसे अपने हाथ पर मत लगाना, क्योंकि उस पेड़ ने मुझे कहा था अगर कोई लालच की वजह से इस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाएगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। प्लीज माँ, इस मेहंदी को अपने हाथ पर मत लगाना। अच्छा, तो अब तू बताएगी हमें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चल हट यहाँ से। नैना बेटी चल, तू अभी जल्दी से इसे अपने हाथों पर लगा और इस जादुई मेहंदी से खूब सारे पैसे मांग। तभी जैसे ही नैना उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाती है, नैना वही जलकर राख हो जाती है, जिसे देखकर विनीता फूट फूट कर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह मीरा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे मीरा बेटा, मैंने तेरी बात नहीं मानी और मैंने अपनी लालच में आकर आज अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया और मैं तुझे नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए आज से मैं तुझे सगी माँ के जैसे ही प्यार दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। विनीता की बातें सुनकर मीरा उसे माफ कर देती है और मीरा को उस जादुई मेहंदी की वजह से विनीता का प्यार मिल जाता है और अब वह विनीता के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।